वर्षों से खराब पड़े मंडी शहर के ऐतिहासिक घंटाघर में कार मैकेनिक ने नई जान डाल दी है। जिस घंटाघर की घड़ियों को ठीक करवाने के लिए कलकत्ता से लाखों रुपए खर्च करके कारीगर बुलाने पड़ते थे, उस घंटाघर की घड़ियों को एक कार मैकेनिक ने ठीक कर दिया है। मंडी शहर के साथ लगते ब्राधीवीर में कार मैकेनिक का काम करने वाले सन्नी ने यह कार्य करके दिखाया है। सन्नी मूलतः मंडी शहर के मंगवाई का रहने वाला है और पिछले करीब 32 सालों से कार मैकेनिक का कार्य कर रहा है। इससे पहले सन्नी घड़ियों की मरम्मत का कार्य भी करता था। सन्नी की तमन्ना भी थी कि वह शहर के ऐतिहासिक घंटाघर को ठीक करने में अपना योगदान दे सके। सर, घंटाघर में ये काफ़ी टाइम से खड़ा हुआ था और इसमें कुछ ट्रबल्स थी, तो नगर परिषद वालों ने मुझसे बात की थी, भाई हाँ जी आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो मैंने इसे जाके चेक चुक किया और इसको ठीक किया। बाकी जो थोड़ी बहुत इसमें कमी है वो इसको फिर से रिमूव कर दूंगा मैं, जो भी इसमें अभी प्रॉब्लम रहती है, जो आज तक किया और आगे जो फ्यूचर में भी रहेगा उसमें सब सॉर्ट आउट कर दूंगा। सन्नी की यह तमन्ना नगर परिषद तक पहुंची और नगर परिषद ने भी सन्नी को घड़ियां ठीक करने का मौका दिया है। सन्नी ने ऐतिहासिक घंटाघर के सारे मैकेनिज्म को समझा और इसकी मर्ज को ढूंढ निकाला। मर्ज का समाधान करते ही घड़ी की सुइयां दौड़ने लग गई है और सही समय दिखाना शुरू कर दिया है। सन्नी ने बताया कि उसे घंटाघर को ठीक करके आनंद महसूस हो रहा है। घंटाघर में जो भी छोटी मोटी कमी रही होगी उसे भी जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने भविष्य में भी घंटाघर के लिए इसी तरह से अपनी सेवाएं देने की बात कही है। रात्रि नज़दीक है, उसके लिए हमने कुछ प्रयास किए तो हमें मंडी शहर का ही एक लड़का, सन्नी उसका नाम है, उससे कॉन्टेक्ट साधा तो उसने हमें आश्वासन दिया कि आप मुझे एक मौका दो ताकि मैं इस घड़ी को देख सकूं। लेकिन उसने प्रयास किया और वो घड़ी जो है उसने चलानी शुरू कर दी, लेकिन इन बिटवीन जो है जब तक वो घड़ी प्रॉपरली ठीक नहीं हो जाती है, हम एक प्रयास दोबारा करेंगे कि कलकत्ता के ही वो मैकेनिक यहाँ आए और उसके जो कल पुर्जे हैं उनको रिपेयर करना होगा तो रिपेयर कर दें, अगर और कुछ उसमें कमियां या खामियां होंगी वो ठीक कर देंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।